नानी जी जिस तरह से अनुष्का से रिक्वेस्ट कर रही थी उससे अनुष्का को एक बार तो समझ में आ गई थी कि उसके डैड के पास कुमार फैमिली की कोई ना कोई वीकनेस तो जरूर थी, वरना कुमार फैमिली के भी तो क्लाउड टावर में शेयर थे और इन शेयर्स के जरिए वो काफी अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। चाहे क्लाउड टावर उसके डैड के कंट्रोल में था लेकिन फिर भी उसके मामा जी की पोजीशन उस कंपनी में कम नहीं थी। उसके बावजूद कुमार फैमिली उसके डैड से इतना घबरा रही थी। अनुष्का की बातें सुनने के बाद नानी जी ने किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करके उसे घूरना बंद किया और क्रिकेट की तरह रंग बदलकर रोने का नाटक करते हुए अनुष्का से कहा, अनुष्का बेटा क्या तुम सच में चाहती हो कि तुम्हारे मॉम डैड का फंसा बसाया घर टूट जाए सिर्फ एक छोटे से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से? अनुष्का उनकी नौटंकी देखकर मनी मन हंस रही थी लेकिन सामने उसने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, नानी जी कुमार फैमिली एक जानी मानी वेल्दी फैमिली है और आप तो घर की सबसे बड़ी है ना, तो फिर मैं आज आपसे एक सवाल पूछती हूँ, मुझे यकीन है कि आप मेरे लिए इंसाफ करेंगी, उसके बाद मैं आपकी बात मानकर डैड को मना लूंगी। अनुष्का ने नानी जी की तरफ देखा जो क्यूरियसली उसी की तरफ देख रही थी। नानी जी की चुप्पी को हाँ ही समझ कर अनुष्का ने आगे कहा, आप सब लोग मुझे इस बात के लिए अक्यूज कर रहे थे कि मैंने मायरा को अर्जुन से चुराया, लेकिन अर्जुन का कहना है कि उसे तो मायरा का चेहरा तक याद नहीं था और पहली बार उसकी बर्थडे पार्टी पर ही मिला था वो, तो फिर वो मायरा का बॉयफ्रेंड कैसे हुआ? और रही बात केविन की तो वो तो मॉम की डिस्कस्टिंग बातें सुनकर मायरा से दूर हो गया था। अब इन समय मेरी क्या गलती है? मेरी और अर्जुन की एंगेजमेंट भी डैड ने डिसाइड की थी और उस रात को जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे का कारण तो मॉम और मायरा अच्छी तरीके से जानते होंगे। परसों भी मायरा ने सबके सामने मुझे कैरेक्टरलेस साबित करना चाहा जहां अर्जुन ने मेरा सपोर्ट किया। उसके बाद मॉम मायरा का साइड लेते हुए कॉलेज में मुझे सुनाने चली आई लेकिन फिर भी वो अनजाने में गिर पड़ी और उसका इल्जाम भी मुझ पर ही लगा। उस दिन भी आप लोगों ने मेरी एक बात नहीं सुनी और आज भी आपने मुझे अविराज के साथ आता हुआ देखा और बिना कुछ सोचे समझे आप लोग मुझ पर अपने परिवार की इज्जत गिराने का इल्जाम लगाने लगे। आप लोगों ने खुद ही अज्यूम कर लिया कि मैं अर्जुन को धोखा देकर अविराज के साथ रात बिता कर आई हूं। अगर मेरी जगह मायरा होती तो क्या आप लोग उसे भी ऐसे ही ट्रीट करते? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मिसेस शाली मेहरा जो खुद को मेरी सगी माँ बताती है वो अपनी ही सगी बेटी को अपनी सौतेली बेटी के साथ मिलकर गैरों से भी बुरा ट्रीट करती है। अनुष्का ने ये जैसे ही कहा था कि मायरा उनकी सौतेली बेटी है, ये सुनते ही वहां सबके सब शॉक हो गए। अविराज को छोड़कर सबके मन में यही सवाल था, अनुष्का को ये बात कैसे पता चली? अनुष्का ने आगे कहा, ये सब तो छोड़ो, आप लोग मुझे बुली करते जाओ और मुझसे ये भी उम्मीद करो कि मैं मायरा के लिए पोटेंशियल हस्बैंड भी लेकर आऊँ। मेरी मॉम चाहती हैं कि क्योंकि मुझे अर्जुन मिल गया है इसलिए मैं मायरा को अविराज के साथ शादी करने में मदद करूँ। अब आप ही मुझे बताइए नानी जी, आप मेरी जगह होती तो क्या करती? अनुष्का की बातें सुनकर नानी जी का तो सर ही घूम गया था। उन्हें अफसोस हो रहा था कि उन्होंने अपने दामाद जी की बात मानकर शुरू से ही अनुष्का को अच्छी तरीके से ट्रीट क्यों नहीं किया। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो आज उनकी बेटी का डाइवोर्स नहीं हो रहा होता, ना ही बात सामने आती और ना ही अनुष्का सामने खड़े होकर उनसे इस तरीके के सवाल पूछ रही होती। और अब अनुष्का के सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं था। नानी जी के कुछ कहने से पहले ही अविराज ने तुनक कर अनुष्का से कहा, अनुष्का अगर तुम्हें इन लोगों को बातें सुनानी है ना तो सुनाओ, मुझे बीच में घसीट कर मेरी क्यों इंसल्ट कर रही हो तुम? तुम तो क्या अगर भगवान भी आकर मुझसे कहेंगे ना तो मैं इस मायरा की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करूंगा। अविराज की बातों से सबके सब सुन रह गए थे क्योंकि मायरा उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई थी, उससे तो ये सब कुछ बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ। उसने गुस्से में अविराज की तरफ घूर कर कहा, यू आर टू मच। ये कहकर वो वहां से रोती हुई भाग गई। कमरे से निकलते हुए उसने अपने मामा जी को आते हुए देखा लेकिन उन्हें ग्रीट किए बिना ही वो उनके सामने से दौड़ती हुई निकल भी गई। इधर अनुष्का ने नानी जी और मामी जी की तरफ देखकर कहा, लुक उसे अविराज ने जरा सा कुछ कह दिया तो वो इतना भी नहीं सहन कर पाई और बिना कुछ कहे भाग खड़ी हुई। अब क्या ये एक नोबेल फैमिली की लड़की की हरकत है? लेकिन आप लोग ना कभी उसे कुछ नहीं कहेंगे। मेरा क्या, मुझे मायरा का इल्जाम अपने सर पर लेकर जेल जाना पड़ा। मैंने इतने दिन जेल में बिताए तब क्या कोई एक बार भी मेरे बारे में पूछने आया? जब मायरा ने अर्जुन के खिलाफ साजिश रची और उसका भुगतान मुझे भुगतना पड़ा तब क्या आप लोगों ने मेरे बारे में सोचा? जब वो और उसके दोस्त मिलकर क्लास में और कॉलेज में मुझे बुली करते हैं, मेरे बारे में घटिया घटिया अफवाह फैलाते हैं, तब क्या आप में से किसी ने मेरे बारे में सोचा? मेरे बारे में सोचना तो दूर बल्कि मायरा के हर एक्शन का इल्जाम भी मुझे पर डाला गया। क्यों नानी जी, जेल जाने से पहले जब आप हमारे घर पर आई थी तो मैं रोज रात को आपके पैरों में तेल लगाकर आपकी सेवा करती थी, क्या तब मैंने आपको बड़ों जैसी इज्जत नहीं दी थी? और मॉम जब आप मुझसे मायरा के पहने हुए कपड़े पहनने को देती थी, मायरा की हर बात मानने को कहती थी, यहाँ तक कि अपनी सहेलियों के सामने मुझे गांव वाली कहकर इंट्रोड्यूस करवाती थी, तब क्या मैंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी थी? आपने मायरा को बचाने के लिए मुझे जेल जाने को कहा, तब भी मैंने बिना हिचकिचाहट के आपकी बात मान ली थी, तब क्या मैं एक अच्छी बेटी का फर्ज नहीं निभा पा रही थी? इतने दिनों बाद मैं अपने परिवार से मिली थी, आप लोगों ने कभी जाने तक की भी कोशिश नहीं करी कि मैंने अपनी जिंदगी में इतने साल किस मुसीबत में काटे, बल्कि मुझे गांव वाली कहकर इतने बुरे तरीके से ट्रीट किया कि मेरे अंदर से आप सबके लिए रिस्पेक्ट और प्यार ही खत्म हो चुका है। आपका कहना था कि मुझमें क्लास नहीं है और मैं सोसाइटी में उठने बैठने के लायक नहीं हूँ और इसी वजह से आप लोग शायद मुझे पसंद नहीं करते। अब आप खुद से पूछ लीजिए कि किसके अंदर ज्यादा क्लास है, मुझमें या मायरा में? इन शॉर्ट मैं आप लोगों से इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कि मुझे खून के रिश्ते से भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मायरा कुछ भी करे आप लोग कभी उसमें कोई फॉल्ट नहीं देखेंगे और दूसरी तरफ मैं चाहे कितनी अच्छी चीजें करने की कोशिश करूं आप लोग कुछ ना कुछ बहाना निकालकर मुझे इंसल्ट ही करेंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इन सारी चीजों के पीछे ना कोई ऐसा कारण है जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है। हो सकता है कि मेरी मॉम बचपन में मायरा और मेरी रियल आइडेंटिटी से कंफ्यूज हो गई है। मुझे लगता है कि मायरा उनकी असली बेटी है और मैं उनकी सौतेली बेटी और ये बात उनको पता चल गई होगी इसलिए वो मुझे ऐसा ट्रीट करती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये डीएनए टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है ताकि मेरी मॉम का और मेरे रिश्ते का सबको क्लियर हो जाए। अगर मैं उनकी सौतेली बेटी हूँ तो आप में से किसी को भी मुझे एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, फिर ना तो आप मुझसे मतलब रखेगा ना मैं आपसे। अनुष्का की बातों से मिस्टर मेहरा के चेहरे का रंग उड़ गया था। उन्हें मन ही मन अपनी वाइफ पर बेहद गुस्सा आ रहा था और साथ ही कुमार फैमिली पर भी। उन्होंने मन ही मन सोचा, समझ में नहीं आता इन लोगों के दिमाग में कोई बात जाती क्यों नहीं है, इन्हें हजार बार समझाने के बावजूद इनसे काम नहीं होता। अनुष्का को देखकर जो बार बार डीएनए टेस्ट करवाने पर अड़ी हुई थी सबकी बोलती बंद हो गई और सबसे ज्यादा वरिड कुमार फैमिली थी क्योंकि अगर गुस्से में आकर मिस्टर मेहरा ने सच में डाइवोर्स दे दिया तो उनके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा।
सबके चेहरे देखकर अनुष्का साफ साफ समझ गई थी कि उसके और उसकी मॉम के रिश्ते की कोई ना कोई तो बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, जिसकी वजह से ये लोग इतना घबराए हुए दिख रहे थे। उसने पलटकर अपने डैड से सॉफ्टली कहा, डैड हम लोग हॉस्पिटल में है ना, मैं चाहती हूँ कि मेरा और मॉम का डीएनए टेस्ट हो। अनुष्का जानती थी कि ये लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जरूर उस डीएनए टेस्ट का रिजल्ट बदल देंगे, लेकिन तब भी वो उनके मन में डर बैठाना चाहती थी ताकि आगे से वो लोग उसे तंग करना बंद कर दें। उन सबके रिएक्शन से अनुष्का को एक बात का डाउट और पक्का हो गया था कि वो शालिनी मेहरा की बेटी नहीं थी, लेकिन ये श्योर था कि वो मिस्टर मेहरा की बेटी थी। उसने डिसाइड कर लिया था कि आज ही वो केविन को ब्लड सैंपल देकर अपना और मिसेस मेहरा का डीएनए टेस्ट करवाएगी। एक बात और थी जो बार बार उसके मन में उठ रही थी कि क्या इस सारी साजिश में उसके डैड भी इन्वॉल्व थे। अनुष्का के सवाल पर नानी जी और मिसेस मेहरा अंदर से काफी घबरा गए थे। मिस्टर मेहरा ने उन दोनों की तरफ गुस्से में घूर कर देखा और फिर अनुष्का को देखकर प्यार से कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम मैटरनिटी टेस्ट करवाना चाहते हो तो हम करवा लेंगे। ये सुनते ही मिसेस मेहरा और कुमार फैमिली की जान हलक में आ गई। मिसेस मेहरा समझ गई थी कि अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा है। अब उन्हें अपनी पुरानी हरकतों पर अफसोस हो रहा था और वो मन ही मन खुद को कोस भी रही थी कि अगर वो अनुष्का को पहले की तरह ट्रीट करती तो अनुष्का भी पहले की तरह उनकी हर एक बात मानती और आज की नौबत ही नहीं आती। उन्होंने अपने डर को छुपाते हुए अनुष्का से सॉफ्टली कहा, हनु मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी मॉम को और नानी माँ को इतना मिसअंडरस्टैंड करोगी। बेटा अगर तुम अपनी मॉम की सगी बेटी नहीं होती तो मॉम तुम्हें अपने पास क्यों रखती? ऐसी बातें करके तुम क्यों अपनी माँ का दिल दुखा रही हो? ये कहकर उन्होंने इसे सख्त सख्त रोना शुरू कर दिया। अनुष्का के मामा जी जब कमरे में आकर ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर यहाँ पर सब हुआ क्या, अनुष्का की डीएनए वाली बात सुनकर उन्हें सारा माजरा समझ में आ गया था। उन्होंने आगे बढ़कर अनुष्का से प्यार से कहा, अनुष्का बेटा हम तो तुम्हें बस सोसाइटी में रहने और परेशानियां झेलने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे थे, और मायरा को हम कभी इसलिए नहीं डांटते क्योंकि वो बिन माँ की बच्ची है। भले वो शालिनी की सगी बेटी नहीं है लेकिन तुम्हारे किडनैप होने के बाद शालिनी ने तो उसे पाला है, लेकिन रही वो एक आउटसाइडर ही है, वो तुम्हारी जगह कैसे ले सकती है बेटा? अपने मामा जी की बातें सुनकर अनुष्का को समझ में आ गया था कि ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। उसने अपने मामा जी से आंखों में आंखें डालकर कहा, ये कहने पर आपको बुरा फील नहीं हो रहा है? मामा जी जब भी कुछ अच्छा पहना या खाना होता है आप सब लोग सबसे पहले मायरा के बारे में सोचते हैं, जब भी कोई अच्छे लड़की को इंट्रोड्यूस करवाना होता है आप सब लोग सबसे पहले मायरा के बारे में सोचते हैं, और रही बात मेरी तो आप लोगों ने तो मुझे अपना दुश्मनी समझ के रखा है। मैं कोई 2 साल की दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो आप लोगों के बिहेवियर में अंतर ना समझ सकूँ। मामा जी भले मैं छोटे गाँव से आई हूँ और आप लोगों की नजरों में मेरा कोई स्टेटस नहीं है, लेकिन गरीब होने का मतलब ये नहीं है कि मैं बेवकूफ भी हूँ। अनुष्का की इस बात से मामा जी भी चुप हो गए। मिस्टर मेहरा और देर तक तमाशा नहीं देखना चाहते थे, उन्होंने अविनाश की तरफ देखा और मन ही मन उन्हें बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। उन्होंने तुरंत ही अनुष्का से कहा, मैं अभी डॉक्टर से कहता हूँ कि वो यहाँ आकर हम दोनों का ब्लड सैंपल ले लें। अनुष्का बेटा चाहे तुम शालिनी को अपनी माँ मानो या ना मानो लेकिन तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है अपनी मॉम या उसके रिश्तेदारों से मतलब रखने की। जैसे तुम्हारे डैड और तुम्हारी मॉम का डाइवोर्स हो जाएगा उसके बाद तुम्हें इन लोगों से इंटरेक्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अभी डॉक्टर से बात करके आता हूँ। ये कहकर मिस्टर मेहरा वहां से निकल गए। मिसेस मेहरा के हाथ पैर ठंडे हो गए थे और घबराहट के मारे वो बेहोश होने की हालत में आ गई थी। उन्हें सच में नहीं लगा था कि मिस्टर मेहरा कभी उनसे डाइवोर्स लेने के लिए गएंगे। मिसेस मेहरा को मिस्टर कुमार की वार्निंग याद आ रही थी जब उन्होंने जेल से आने के बाद उनसे अनुष्का को अच्छी तरह ट्रीट करने के लिए कहा था, और वहीं कुमार फैमिली को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो इस मैटर को कैसे हैंडल करेंगे। नानी जी को अनुष्का को देखकर इतना गुस्सा आ रहा था कि उनका मन किया कि अभी के अभी इस लड़की को अच्छा सबक सिखाए। उन्होंने गुस्से में अनुष्का से कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम क्या सच में अपने माँ बाप का घर बर्बाद करना चाहती हो? अभी भी वक्त अनुष्का अपने डैड को जाकर समझाओ। लेकिन अनुष्का ने उनकी बात को इग्नोर करते हुए मन ही मन सोचा, आपके डैड मेरे लिए इतने सालों पुराने अपने शादी के रिश्ते तक को तोड़ने के लिए तैयार हो गए, क्या इसके पीछे कोई खास वजह हो सकती है? आगे की कहानी जानने के लिए अनुष्का को वहां मौजूद किसी भी शख्स से कोई हमदर्दी नहीं थी। इन सब लोगों ने उसे ऐसे ट्रीट किया था कि कोई किसी पराये को भी नहीं करता, और वो उन लोगों में से थी जो अगर उसे और उसके अपनों को 1 इंच दे तो वो 100 गुना ज्यादा रिटर्न करती थी। अभी सामने वाले पर था कि वो उन्हें फायदा पहुंचाना चाहता है या नुकसान। अनुष्का को चुप देखकर उसकी नानी जी ने उसका हाथ पकड़कर हिलाते हुए कहा, अब तो तुम्हें बहुत खुशी हो रही होगी ना, तुमने आते ही अपने माँ बाप का घर बर्बाद कर दिया। इससे अच्छा होता कि मेरी बेटी तुम्हें वापस ही नहीं लेकर आती। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के पीछे तुम एक फैमिली को तोड़ रही हो, अब तो खुश हो ना तुम? अनुष्का ने नानी जी का हाथ अपने हाथ से छुड़ाते हुए कहा, मैं उन्हें डाइवोर्स देने के लिए मजबूर कर रही हूँ। मुझे लगता है ना आप लोगों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, सारी परेशानी की असली जड़ तो आप लोग हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आज ही देख लो नानी जी, अगर आप शुरू में मेरी बात सुन लेती ना और हॉस्पिटल में इतना तमाशा नहीं करती और लोगों के और मेरे डैड के सामने मेरी रेपुटेशन गिराने की कोशिश नहीं करती तो क्या ये मामला इतना बड़ा होता क्या? और रही बात मायरा की मॉम की, तो मुझसे मिलती ना उन्हें कोई नई परेशानी खड़ी करनी होती है। अब आप ही बताइए ऐसी लेडी के साथ कौन रहना चाहेगा? हो सकता है इनकी पुरानी हरकतों की वजह से मेरे डैड अभी इन्हें और टॉलरेट नहीं करना चाहते हो, अभी भी आप सारा इल्जाम मुझ पर ही डालना चाह रही हैं और आप मुझसे उम्मीद करती हैं कि मैं डैड को समझाऊं? अनुष्का ने नानी जी की आंखों में आंखें डालकर आराम से कहा, चाहे अर्जुन का मैटर हो या केविन का या फिर अविनाश का, आप सब लोग मेरी बात सुने बिना ही मुझ पर मायरा की गलती का इल्जाम लगाते रहे और आप लोगों के हिसाब से मैंने प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं तो मुझे सहना पड़ेगा, चाहे मेरी गलती हो या ना हो लेकिन हमेशा मुझे ही झुकना पड़ेगा। अगर आप लोग मेरे अपने होते ना तो मैं एक बार भी सब कुछ सहन कर लेती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके और मेरे बीच में कोई खून का रिश्ता है। और नानी माँ जब आप कॉन्सिक्वेंस से सहन नहीं कर सकती ना तो फिर ऐसे काम भी मत किया कीजिए, और अब मुझसे बात करने की या मुझसे किसी भी तरीके का रिश्ता रखने की कोई जरूरत नहीं है, अदरवाइज मैं अपना मुंह बंद नहीं रखूंगी और फिर आप लोग कहेंगे कि मैं बड़ों की इज्जत नहीं करती हूँ। अनुष्का की सहनशीलता की अब लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। अगर वो अपने असली किरदार में आ गई तो यहाँ पर खड़ा कोई भी इंसान अपनी सांसें नहीं गिन पाएगा, और जब तक उसे सच पता नहीं चलता अनुष्का तब तक चुप ही रहना चाहती थी, लेकिन फिर भी ये लोग बार बार उसे प्रोवोक करने से बाजी नहीं आते थे।
लाली जी ने अनुष्का की कड़वी बात सुनने के बाद उसे गुस्से से घूर कर देखा। उन्हें ऐसा लगा कि अगर थोड़ी देर और वो अनुष्का से बात करेंगी ना तो गुस्से से मर ही जाएंगी। लेकिन उनकी मजबूरी थी कि इस वक्त वो अनुष्का को कुछ नहीं कह सकती थी। अनुष्का ने एक भौं ऊपर करते हुए नानी जी की तरफ देख कर कहा, अब फिर से आप मुझे ऐसे घूर कर देख रही हैं? मैंने कहा था ना नानी जी, अगर आप इसी तरीके से रिएक्ट करेंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे भी आई डोंट केयर, मायरा के मॉम और डैड के डाइवोर्स के बाद वैसे भी मैं तो डैड के साथ ही रहूंगी, इसलिए मेरा तो नुकसान नहीं है। इस डाइवोर्स के बाद सबसे बड़ा नुकसान किसका है ये तो आप लोगों से बेटर और कोई ज्यादा नहीं समझ सकता। क्यों नानी जी? नानी जी अनुष्का की बातों का मतलब अच्छी तरीके से समझ रही थी। जाहिर था इस डाइवोर्स के बाद उनकी बेटी और उनके परिवार का ही नुकसान था। लेकिन जब उन्होंने अनुष्का को ये बोलते सुना कि वो अपनी मॉम को मायरा की मॉम कहकर बुला रही है तो उनके गुस्से की सीमा नहीं रही। उन्होंने अनुष्का से ऊंची आवाज में पूछा, मायरा की मॉम कहने से तुम्हारा क्या मतलब है? वो तुम्हारी भी माँ है। अनुष्का ने एरोगेंटली जवाब दिया, अभी तक मेटरनिटी टेस्ट हुआ नहीं है इसलिए ये कहना ठीक नहीं होगा कि ये मेरी भी माँ है। ओके आंटी जी? अनुष्का ने सिर्फ मिसेज मेहरा को मायरा की मॉम नहीं कहा था बल्कि अब उसने नानी जी को भी आंटी कहकर एड्रेस करना शुरू कर दिया था। अनुष्का ने आगे कहा, वैसे भी अगर वो सच में मेरी माँ भी निकली ना तो क्या ही फर्क पड़ता है? अगर उन्हें मायरा से इतना ही प्यार है तो वो सिर्फ मायरा की मॉम बनकर आई ना। वैसे भी डाइवोर्स के बाद मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। इस वक्त सबको अपनी पुरानी गलती याद आ रही थी और सभी पुरानी अनुष्का को याद कर रहे थे जो उनकी हर एक बात पर हाँ में हाँ मिलाती थी। उनके सामने खड़ी अनुष्का और उस सीधी साधी अनुष्का में तो जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये जमीन आसमान का फर्क उन्हीं की हरकतों से आया था। वो तो अभी भी हर गलती का इल्जाम अनुष्का पर ही डाल रहे थे और मन ही मन उसे कोस रहे थे। और इस सबसे ज्यादा परेशान इस वक्त मिस्टर कुमार यानी कि अनुष्का के मामा जी थे। इस वक्त उन्हें अपनी माँ और छोटी बहन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर उनकी छोटी बहन और मिस्टर मेहरा का डाइवोर्स हो गया तो इससे उन्हें फाइनेंशियली भी बहुत नुकसान होने वाला था। उन्होंने अनुष्का को समझाते हुए कहा, अनुष्का बेटा मैं जानता हूँ तुम्हारी मॉम और नानी जी ने तुम्हें बहुत अपसेट किया है, लेकिन फिर भी देखो ना हम सब एक परिवार ही तो हैं और परिवार में ज्यादा लोग रहने पर थोड़ी खिटपिट तो होती है। बेटा क्या तुम सच में चाहती हो कि ये परिवार अलग हो जाए? तुम खुद सोचो लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे डैड एक बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी इज्जत पर क्या फर्क पड़ेगा? माना कि मायरा शालिनी और माँ से गलती हुई है लेकिन आगे से और अभी से तुम्हें अपसेट नहीं करेंगे बेटा, प्लीज अपने डैड को समझाओ। अनुष्का ने इनोसेंटली स्माइल करते हुए मामा जी की तरफ देख कर पूछा, वो तो इस बात पर डिपेंड करता है ना मामा जी कि आप लोग रिटर्न में मेरे लिए क्या करते हैं। वैसे भी अगर आप लोगों ने मुझे फोर्स नहीं किया होता ना तो डैड ये बिल्कुल नहीं कर रहे होते। मिसेस मेहरा ने जब ये देखा कि उनके बड़े भाई उन्हें गुस्से से घूर रहे हैं तो उन्होंने अनुष्का की तरफ देखकर सॉफ्टली कहा, अनुष्का हमसे गलती हो गई ना बेटा, मॉम बहुत गिल्टी है। मैं पास्ट में मायरा को लेकर ना कुछ ज्यादा ही बायस थी, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ, क्या तुम प्लीज अपने डैड से कहोगी ना कि मुझे डाइवोर्स ना दे? हालांकि मिसेस मेहरा बड़े ही प्यार से अनुष्का से ये सब कह रही थी लेकिन अंदर ही अंदर अनुष्का से ज्यादा नफरत इस वक्त और कोई नहीं कर रहा होगा। उनके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, अगर अनुष्का नहीं होती ना तो मुझे इतनी इंसल्ट नहीं सहन करनी पड़ती। आज अनुष्का की वजह से मेरा पसा पसाया घर टूटने की कगार पर आ गया। लेकिन मिसेस मेहरा अच्छी तरह से जानती थी कि मिस्टर मेहरा के बिना उनका और कुमार फैमिली का कोई वजूद नहीं बचेगा, इसलिए आज चाहे उन्हें अनुष्का के आगे गिड़गिड़ाना भी पड़े तो वो पीछे नहीं हटने वाली थी। लेकिन उन्होंने मन ही मन ये जरूर सोच लिया था कि वो आगे जाकर इन सारी चीज़ों का बदला अनुष्का से जरूर लेंगी। अनुष्का ने उनकी तरफ देखकर सॉफ्टली स्माइल करते हुए कहा, आंटी अब जो हो गया वो तो हो गया ना, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाता तो कानून की जरूरत क्यों पड़ती? आप खुद से पूछिए कि आपने मुझसे कितनी बार माफी मांगी है जब से मैं लौट कर आई हूँ, लेकिन क्या आपने अपने बिहेवियर को बदला मेरे लिए? मेरी तो छोड़िए, आपको तो डायरेक्ट भी समझाया था ना, लेकिन आपने तो उनकी भी बात नहीं मानी, आपकी इस माफी का कोई मतलब नहीं है। अनुष्का ने जब मिसेस मेहरा को आंटी कहकर बुलाया तो वो अनुष्का को हैरानी से देखती रह गई। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। वो समझ गई थी कि उनकी हरकतों से अनुष्का का दिल अब उन लोगों के लिए कठोर हो चुका है, इसलिए उन्होंने दूसरी टेक्निक अपनाते हुए कहा, अनुष्का फिर तुम क्या चाहती हो बेटा? क्या तुम सच में चाहती हो कि तुम्हारी मॉम और डैड अलग हो जाए? तुम मेरा अपना खून हो बेटा, जिसे मैंने 9 महीने तक अपने पेट में रखकर जन्म दिया है। क्या अपनी मॉम और डैड को इस तरीके से लड़ते देखकर तुम्हें खुशी मिल रही है? अनुष्का ने मिसेस मेहरा की आंखों में आंखें डालकर कहा, आप कह रहे हैं कि आपने 9 महीने अपनी कोख में रखकर मुझे जन्म दिया है, लेकिन वो आपने सुना है ना कि जन्म देने वाले से पालने वाला बड़ा होता है, क्योंकि बहुत से पाल पोस कर प्यार से बड़ा करते हैं, और मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे साफ साफ समझ में आता है कि आप मुझे अपनी बेटी समझती हैं या नहीं। भले मैं आपकी बेटी रहूंगी लेकिन आप मायरा को अपनी सगी बेटी से ज्यादा ट्रीट करती हैं, और रही बात मायरा की तो चाहे मायरा के लिए मैं अपनी जान भी दे दूँ ना तब भी वो मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन ही समझती है। मैं तो खुद बहुत हेल्पलेस फील करती हूँ, कई दफा मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोग मुझसे क्यों इतनी नफरत करते हैं। ये कहते हुए अनुष्का को सच में अंदर से बहुत तकलीफ हो रही थी। उसे तो हमेशा से एक परिवार चाहिए था, कितने साल वो अपने माँ बाप के बिना रही है, और किस अनाथ बच्चे की इच्छा नहीं होती है कि उसके माँ बाप उसे वापस मिल जाए? लेकिन अगर माँ ऐसी हो तो इससे अच्छा कि बच्चा अनाथ ही रह ले। अनुष्का मन ही मन सोच रही थी कि तभी मिस्टर कुमार ने जल्दबाजी में कहा, हाँ तुम क्यों कह रही हो कि ये सब कुछ मायरा का ही फॉल्ट है? मैं अभी मायरा को बुलाता हूँ और उससे कहता हूँ कि तुमसे माफी मांगे। आज के बाद मैं खुद तुम्हारी मॉम को और नानी जी को सुपरवाइज करूंगा, आज के बाद वो कभी तुम्हें दुखी नहीं करेंगी। मैं भी मायरा को फोन करके बुलाता हूँ, ठीक है? अनुष्का ने पलट कर मिस्टर कुमार की तरफ देखा और हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ओके मामा जी। अनुष्का की ये बात सुनते ही फाइनली बाकी सबने थोड़ी सी राहत ली, लेकिन मिस्टर कुमार ने हिचकिचाते हुए पूछा, देन अबाउट द डाइवोर्स? लेकिन अनुष्का ने एरोगेंटली जवाब में कहा, वी विल सी, पहले तो ये देखते ना कि मायरा मुझसे माफी मांगती भी है या नहीं। अभी जब सबको लग रहा था कि सब कुछ ठीक होने वाला है, अनुष्का की कही गई इस बात ने सबकी आस पर पानी फेर दिया।
वो लोग जानते हैं कि मायरा कितनी प्राउड और एरोगेंट थी। उन्हें पता नहीं था कि मायरा अनुष्का से माफी मांगने के लिए रेडी होगी भी या नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अगर मायरा ने माफी मांग ली तो क्या गारंटी थी कि अनुष्का अपने डैड को डाइवोर्स रोकने के लिए मना ही लेगी। लेकिन अभी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय अनुष्का की बात मानने की। मिस्टर कुमार ने तुरंत ही कमरे से बाहर निकलकर मायरा को फोन लगाया और उसे समझा बुझा कर आने के लिए मना लिया। करीबन 10 मिनट बाद ही मायरा कमरे के अंदर थी। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। मिस्टर कुमार ने मायरा को फोन पर सारी बात बता दी थी कि कैसे उसके डैड उसकी मॉम को डाइवोर्स देना चाहते हैं और कैसे अब सब कुछ अनुष्का के हाथ में है। उन्होंने मायरा को बताया कि अनुष्का चाहती है कि वो उससे जाकर माफी मांगे, तभी वो उनकी मदद करेगी। ये सुनकर तो मायरा का गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। वो मन ही मन अनुष्का को कोसने लगी। एक तो उसने अभिराज के साथ मिलकर मेरी इंसल्ट करी और अब वो चाहती है कि मैं उससे जाकर माफी मांगूं। लेकिन वो जानती थी कि अभी उसके लिए ज्यादा जरूरी उसके मॉम डैड के रिश्ते को बचाना है। वो नहीं चाहती थी कि उसके मॉम और डैड डाइवोर्स ले और जो कुछ भी उसके पास था वो सब कुछ उससे दूर चला जाए। अगर उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया तो वो किसके पास जाएगी? अगर डैड से दूर हो जाती है तो अपनी लग्जरी और स्टेटस खोनी पड़ेगी, और अगर डैड के साथ रहती है तो उसे अनुष्का से हमेशा टक्कर रहना पड़ेगा। यही सोचकर उसने अनुष्का से माफी मांगने का फैसला किया और हॉस्पिटल वापस भागते हुए आई। लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल के कमरे में आई, उसके मामा जी ने तुरंत उसे डांटना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसे एक चट्टा भी चढ़ दिया। आज तक उसके मामा जी ने कभी उसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करी थी, इसलिए वो समझ गए थे कि मामला कोई छोटा मोटा नहीं था और कुमार फैमिली के पास अनुष्का की बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था। यही सोचकर वो धीरे धीरे अनुष्का के सामने आई और सर झुकाकर अनुष्का से कहा, अनुष्का आई एम सॉरी। भले ही मायरा ने अनुष्का से माफी मांग ली थी, लेकिन उसके चेहरे पर गिल्ट नहीं बल्कि गुस्सा नजर आ रहा था, या ये कहो कि अनुष्का के लिए नफरत। अनुष्का भी सॉफ्ट हार्टेड होने के प्लान में नहीं थी। अनुष्का ने पहले मायरा को अपनी बड़ी बहन की तरह ट्रीट किया था, लेकिन मायरा ने उसके साथ दुश्मनों की तरह बिहेव किया था। आगे अनुष्का क्या करेगी ये जानने के लिए सुनते रहे।